आदेश आदेश आदेश। इसे सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह 7 तारीख को सोम प्रदोष है। सोमवार होना और प्रदोष होना शिव जी की भक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज बोली जाती है। ये पूजा अर्चन ध्यान करने का दिन, उस दिन वट सावित्री का व्रत का प्रारंभ होगा। स्त्रियां अधिकांश ये व्रत करती है और ये व्रत 3-4 दिन का होता है। बेसिकली ये व्रत जितना वटवृक्ष का आयु होता है इतना अपने पति का आयु हो, ऐसी शुभकामना के लिए ये व्रत किया जाता है। पर सावित्री ने यह व्रत किया था और उसके पति को मौत के मुख से वापिस ले आई थी, तब से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 1979 से ये चीज है, मगर धारा इसके लिए बनी हुई धाराएं बहुत समय से। आज समाज के अंदर अगर कोई जगह ज्यादा तकलीफ होती हो तो वो तकलीफें होती है फूड एडिटेशन की वजह से, यानी खाने की चीजों में मिलावट के कारण। हिंदुस्तान के अंदर कई रोग इसके कारण होता है और विश्व की बात करें तो वो बहुत बड़ा पैमाना है ये होने का। करीबन 6 से 7 करोड़ लोग हर साल कोई ना कोई कारण से ये खाने की चीजों में मिलावट होने के कारण भोग बनते हैं। तो ये फूड एडिटेशन का एक कानून लाया गया और उसके हिसाब से फूड एडिटेशन चलता है। स्वास्थ्य के साथ सीधा मेल है खाने की प्रक्रिया, इसके लिए ये बहुत अहम चीज बोल के WHO ने ये दिन डिक्लेयर किया है। 8 तारीख को शिवरात्रि है, ये भी शिव का पूजन अर्चन करने का दिन है। ये माह की शिवरात्रि है। उसे दिन वर्ल्ड ओशन डे है, 1992 से मनाया जाता है, 1992 से ओशन डे, दरिया का दिन। ऐसे पृथ्वी 70% पानी से घिरी हुई है, अपना शरीर भी 70% पानी से भरा हुआ है। इसमें मात्रा कम ज्यादा होना नुकसानकारक है, मगर ये पृथ्वी के अंदर दरिया चीज है जो समुद्र बोलते हैं, समुद्र के अंदर जो चीजें उत्पन्न होती है इसमें कई चीजें, वनस्पति है, ये चीज है, शंख है, छिपले होते हैं, ये सब चीजें सिप्स होती है, ये सब चीजें लोगों के आरोग्य के कारण कितना काम करती है, लोगों के उपयोग में कितने आती है, कहां कहां सुशोभन में काम लगता है, इसका उपयोग बढ़े और साथ साथ पानी में रह के काम करने वाले की लोगों की भी बात सोची जाती है, जिसको हम खलासी बोलते हैं। आगे की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। मगज के अंदर गांठ होना, इसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। इसका कई कारण है, कोई चोट लग गई हो उसके साथ खून जम जाता है तब ये होता है, बीपी हाई हो जाता है तभी कोई नस फट के अंदर जम जाता है खून तब ये होता है, ब्रेन ट्यूमर होने के बहुत कारण है। मगर ये 2 मुख्य कारण बोले मैंने, इसके लिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अपना बीपी कंट्रोल में रहे ऐसी कोशिश करें, इसके प्रति जागरूकता है, इसके लिए दिन मनाया जाता है। 9 तारीख को वट सावित्री व्रत का समापन हो जाता है और इसके बाद 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को अमावस्या है, उसी दिन शनि जयंती है।
नौ ग्रहों में से ग्रह है शनि। ऐसे सूर्य पुत्र बुलाया जाता है। नीलांजनम समाभाषम रवि पुत्रम यमागतम छाया मातंद संबुदम तम नमामि शनेश्वर। शनि से लोग इसलिए डरते कि शनि की साढ़ा सात आती है, साढ़े सात साल की पनौती आती है। सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है, एक राशि में वो 30 महीना रहता है गिनते, और साढ़े सात ही इसलिए बोली जाती कि जिस राशि में रहता है उसके आखिर और पीछे, ये तीनों राशियों को इफेक्ट करता है। टाई 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 करके साढ़े सात साल तक ये अपनी राशि को हैरान करता है। शनि हमेशा खराब होता है शनि, मगर न्याय का देवता है। आगे की बात करें तो उसे दिन 10 तारीख को ही कंकणावृत सूर्य ग्रहण है, वो कम इलाके में दिखेगा, अपने यहां दिखने की संभावना बहुत कम है, नहीं दिखेगा, इसको मानना नहीं। जो वृषभ राशि में होने वाला ग्रहण, ऐसा तो दोपहर में 1:42 पे शुरू होगा और 6:41 पे पूर्ण हो जाएगा, मगर हमको ये ग्रहण टच नहीं करता है। एक राशि के सिवा बाकी सब राशियों को वो हैरान करने वाला ग्रहण है। 11 तारीख को गंगा दशहरा का व्रत प्रारंभ होगा। गंगा दशहरा, गंगा का पूजन अर्चन होता है। इस दिनों में एक अलग ही माहौल नदियों में होता है, आरती पूजन अर्चन जो देखने जैसा होता है। 12 तारीख को दूज है इस माह की। दूज को हमेशा मैं बोलता हूं कि शाम को चंद्र के दर्शन करने चाहिए, मीठा खाना चाहिए, और खास मीठे में भी दूध पौवे दूध और चावल से खीर बनाई होती है, ये सब खा के अपने जीवन को धन्य बनना है। उसी दिन एंटी चाइल्ड लेबर डे है, बच्चों को मजदूरी से दूर रखना ये दिन है। 2002 से जागरूकता आई है, आमतौर पे आप चौराहे पे देखते हो तो कोई चीज बेचने वाले बच्चे आ जाते हैं, और कोई जगह चले जाते हो तो बच्चे प्रोडक्शन में काम करते हैं। बच्चों का काम पढ़ना है, बच्चों का काम खेलना कूदना है, इनके ये हकों से दूर रखने के लिए, ये दूर ना रखे और उनको अपनी तालीम मिले, इसके लिए ये दिन मनाना जरूरी समझ के ये दिन मनाया जाता है UN के द्वारा। हमेशा याद रखो, चाइल्ड लेबर हमारे जीवन के अंदर नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी वो नागरिक हो जाएगा, उसके मन में एक प्रकार की तुलना उत्पन्न होती है समाज के प्रति, और इनके हक न देके हम भी मानव जात का अपमान करते हैं। आगे की बात करें तो 13 तारीख को रंभाद्रि है, रंभा अप्सरा का नाम है, जिन्होंने कई ऋषि मुनियों को विक्षिप्त किया, मगर ये त्रिज इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन पूजन अर्चन रंभा का ध्यान करने से, इसका एक मंत्र भी है, वो करने से न लग्न होता है उसका लग्न हो जाता है, यानी शादी हो जाती है, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। ये चैनल आप तक पहुंचता है हमेशा हिंदू धर्म की बातें और विश्व की बातें लाता है। आपको विनती है इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए ताकि आप तक ये चैनल सीधा पहुंचे। फेसबुक पेज पे भी ये चैनल की लिंक उपलब्ध होती है, जो फेसबुक पेज पे ये चैनल आती है वो पेज को भी फॉलो करिए। ये सब जरूरी है, आपके सहकार की जरूरत, आप देखोगे तो ही हमारा काम चलेगा। और जैसी आपसे सहकार की अपेक्षा रखते हुए अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।